देखिए यहाँ के लोगों का मानना है कि सुरेश राणा जो कि गन्ना मंत्री है उन्होंने बहकाने का काम किया है। और लोगों से बातचीत करेंगे कुछ ही देर में, खास मेहमान भी हमारे साथ मंच पर जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ हार के बाद पिता को याद करके भावुक हुई बेटी की तस्वीर। कैराना लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मृगांका सिंह को आरएलडी की तबस्सुम हसन ने हरा दिया है। मृगांका इलाके के लोकप्रिय नेता रहे हुकुम सिंह की बेटी हैं, लेकिन इस चुनाव में जाट और मुस्लिम के समीकरण ने इलाके की लोकप्रिय नेता की बेटी को जीतने नहीं दिया। गठबंधन का प्रभाव तो दिखा है, ताकत दिखी है और इसी कारण ये परिणाम भी आया है। परंतु मैं जो गठबंधन की उम्मीदवार हैं उन्हें बधाई देती हूँ, मुबारक देती हूँ। आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सीधा समर्थन था। बीएसपी ने भी विरोध नहीं किया था और जिस हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के आधार पर बीजेपी जीत की रणनीति बना रही थी वो रणनीति धरी की धरी रह गई। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस हार का 2019 पर असर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में जब लोग देश के प्रधानमंत्री की तुलना करेंगे तो बिल्कुल पलट जाएगा ये विषय, और निश्चित रूप में राष्ट्रीय मान्यताओं के आधार पर लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना की सीट 2014 में बीजेपी के पास थी, लेकिन ये तीनों सीट उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से निकल गई। कैराना में जीती तबस्सुम हसन के जीतने के साथ ही यूपी में मुस्लिम सांसद का खाता भी खुल गया है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम इलाकों में सुबह से ही जश्न का माहौल है। आरएलडी की जीती हुई उम्मीदवार तबस्सुम हसन कहती हैं कि कैराना से शुरू हुई बीजेपी की हार 2019 में बीजेपी को खत्म कर देगी। मोदी की जो जीत थी और जो ये सरकार बनाई थी उन्होंने 2013 के दंगों के बाद में जो है 14 आया था उसने सरकार बनाई थी, तो जो है यहीं से रास्ता उन्होंने बनाया था और यहीं हम दफन भी करेंगे इंशाल्लाह। इस चुनाव में अगर विपक्ष साथ नहीं हुआ होता तो फिर तबस्सुम का जीतना और मृगांका का हारना असंभव होता, ऐसा हम उस आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं जो आंकड़ा 2014 के नतीजों से निकला था। 2014 में बीजेपी के हुकुम सिंह को 5,65,000, समाजवादी पार्टी को 3,29,000, बीएसपी को 1,60,000 और आरएलडी को 42,000 वोट मिले थे। 2014 में मिले बीजेपी विरोधियों के इस वोट को जोड़ दें तो कुल जमा होता है 5,32,201, यानी हुकुम सिंह को मिले 5,65,000 वोट से 33,000 कम। लेकिन जाटों की नाराजगी ने बीजेपी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाली इस पश्चिमी यूपी की धरती पर जीतने नहीं दिया। जाट और गुज्जर किसान गन्ने का भुगतान नहीं होने से नाराज थे और उनकी ये नाराजगी मृगांका सिंह के खिलाफ वोट में निकली। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, अगर पार्टी ने अभी ही कोई तोड़ नहीं निकाला तो 2019 का गणित कम से कम यूपी में तो गड़बड़ा ही सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।